तो गाइस जल्दी फ्री फायर मैक्स जो है वो हमें इंडिया में जो है देखने को मिलने वाला है। तो आप लोगों के दिमाग में एक दो क्वेश्चन तो जरूर से आ रहा होगा कि जब फ्री फायर मैक्स आएगा तो क्या हम अपने फ्री फायर आईडी से फ्री फायर मैक्स को खेल सकेंगे एंड क्या हम फ्री फायर के जो फ्रेंड्स है उनके साथ फ्री फायर मैक्स में जो है खेल सकेंगे। तो इन सारे क्वेश्चन का जो आंसर है आज के मैं इस वीडियो में आप लोगों को देने वाला हूँ। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है फ्री फायर मैक्स के बारे में जो है कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं। जैसे कि अभी के टाइम पे अगर आप लोग सोच रहे हो कि आप लोग जो है अपने 3GB 4GB रैम तक के डिवाइसेस में जो है वो फ्री फायर मैक्स को खेल सकोगे तो आप लोग बिल्कुल ही रॉन्ग हो, क्योंकि फ्री फायर मैक्स को कम से कम आपको खेलने के लिए 6GB रैम एंड एक अच्छा प्रोसेसर होना जरूरी है एंड उसका अगर उससे ज्यादा कम रहा तो आप लोगों का फ्री फायर मैक्स जो है वो बहुत ही ज्यादा गंदा जो है लैग करने वाला है, आप लोग खेल भी नहीं पाओगे इतना ज्यादा जो है वो फ्री फायर मैक्स लैग करने वाला है। तो मैंने जो है एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है टॉप 5 स्मार्टफोन पर फ्री फायर में, तो आप लोग जाके जो इस वीडियो को भी एक बार चेकआउट कर सको, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो अब बात कर लेते हैं कि क्या हम फ्री फायर मैक्स को जो है वो अपने फ्री फायर के फ्रेंड्स के साथ खेल सकेंगे। हाँ, तो आप बिल्कुल जो है अपने फ्री फायर के फ्रेंड्स के साथ जो है फ्री फायर मैक्स को जो है बहुत ही इजीली तरीके से जो है खेल सकते हो। दोनों गेम जो है एक दूसरे के साथ वो कनेक्ट रहेंगे, मतलब कि मानो कि दोनों जो गेम्स है वो लगभग एक ही है। बस फ्री फायर मैक्स में जो है आप लोगों को ग्राफिक सेटिंग जो है वो आप लोगों को थोड़े ज्यादा जो है देखने को मिलने वाले एंड फ्री फायर वाले चाहते हैं तो इसे फ्री फायर गेम के अंदर भी जो है दे सकते हैं, बट उन्होंने फ्री फायर मैक्स इसलिए लाया क्योंकि अगर वो नॉर्मल फ्री फायर में ये वाला अपडेट देते तो नॉर्मल फ्री फायर का जो साइज है वो बहुत ही ज्यादा हो जाता, जिस कारण से लो डिवाइसेस वाले जो है वो जो है नॉर्मल फ्री फायर को नहीं खेल पाते एंड उसको ध्यान में रखते हुए जो है फ्री फायर वालों ने फ्री फायर मैक्स को जो है लॉन्च किया एंड आप कह सकते हो कि दोनों गेम जो है लगभग एक ही है, बस इसमें जो है आप लोगों को ग्राफिक्स जो है वो थोड़े ज्यादा देखने को मिल जाएंगे एंड जो नॉर्मल इवेंट्स वगैरह चलेंगे दोनों जो है एकदम सेम ही रहेंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं कि हमारा जो फ्री फायर का आईडी है क्या वो फ्री फायर मैक्स के अंदर जो है वो जाएगा। तो आपका जो फ्री फायर आईडी है वो जो है बहुत इजीली तरीके से जो है फ्री फायर मैक्स में जो है चला जाएगा, क्योंकि मैंने जैसा कि बताया कि फ्री फायर मैक्स जो है वो एक आप कह सकते हो कि फ्री फायर का ही जो है वो अपग्रेडेड वर्जन है। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, जो नॉर्मली जैसे आप लोग लॉग इन करते हो वैसे ही जो है आप लोगों को फ्री फायर मैक्स के अंदर भी जो है वो लॉग इन करना है एंड आप लोगों का नॉर्मल फ्री फायर का जो आईडी है वो जो है आप लोगों के फ्री फायर मैक्स के अंदर जो है वो चला जाएगा। एकदम सिंपल से आप लोगों को कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस आप लोग नॉर्मली जैसे फ्री फायर के अंदर लॉग इन करते हो फेसबुक से, वीके से, या फिर अगर आप लोग गूगल अकाउंट भी चलाते हो, जैसे भी आप लोग लॉग इन करते हो तो आप लोगों को जो है लॉग इन करना है एंड आप लोगों का जो अकाउंट है वो जो है फ्री फायर मैक्स के अंदर जो सिंपली से चला जाए। सो गाइस आज का वीडियो वैसे ही तक था, अगर आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को जरूर से एक लाइक मार देना, चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हो चैनल को सब्सक्राइब मार के नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे सेट मार देना। चलो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय। We'll be right back.